नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ मैंगो आइसक्रीम गुठली। मैंगो आइसक्रीम गुठली बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: पके आम 2 से 3, फुल क्रीम दूध 1 लीटर, चीनी 1/2 कप या स्वाद अनुसार, केसर के धागे 7 से 8, कॉर्नफ्लावर 1 से 2 चम्मच, इलायची पाउडर 1/4 चम्मच। सबसे पहले गैस जलाएंगे और कढ़ाई में दूध डालकर उबलने के लिए तेज आंच पर रख देंगे और इसको चलाते रहेंगे। दूध आधा हो चुका है, अब एक कटोरे में दूध को निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और घोल तैयार करेंगे दूध को गाढ़ा करने के लिए। अब इसमें दूध को चलाते हुए घोल को डालेंगे ताकि गांठे ना बने, और साइड से दूध को हटाते रहेंगे ताकि कढ़ाई को ना चिपके। स्वाद अनुसार चीनी, आप चाहे तो आइसक्रीम इसमें बाजार से लाकर भी गुठल बना सकते हैं। केसर, इलायची पाउडर डालकर से 7 मिनट तक तेज आंच पर पकाएंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और रबड़ी को एक कटोरे में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब धुले हुए आम को ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे कैप की तरह के, और चाकू से गोल गोल घुमाते हुए गुठल को निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि चाकू बाहर की तरफ ना निकले। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुठल निकल चुका है। अब रबड़ी को फेंट लेंगे और गुठल निकले हुए आमों में रबड़ी को डालेंगे, और 1 कप या कटोरे में आम सीधा उसमें हम रख देंगे और ऊपर से कटा हुआ भाग लगा देंगे और 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। अब फ्रीजर से आम को निकालकर चाकू की मदद से छील लेंगे और कैप को भी हटा देंगे। अब इनको गोला आकार में काट लेंगे और प्लेट में सजाकर ठंडा ठंडा परोसेंगे। आप इनको तभी फ्रीजर से निकालें जब आप इनका सेवन करना चाहते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।